हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाउड 12 MFF। एंड आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, टॉप 10 बेस्ट कैरेक्टर इन मार्वल फ्यूचर पैट, लाइक टीयर 2 कैरेक्टर आज मैं बताने वाला हूँ, नॉट टीयर 3। एंड एक टीयर 2 कैरेक्टर क्यों लिस्ट बनाए, बिकॉज ऑफ द न्यू प्लेयर एंड मीडियम प्लेयर, जो जिसको गेम पे नॉर्मल सा कैरेक्टर ही है, रोस्टर ही है, जो विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट एनी हाई बिल्ट, लाइक नॉर्मल सा। एंड दिस कैरेक्टर से आप नॉर्मल कंटेंट कर सकते हैं, लाइक आप लोग वर्ल्ड बॉस खेल सकते हैं स्टेज 1-2 लाइक दैट ओनली 10 के अंदर, एंड इवन हाई हो सकते हैं, बिल्ड के ऊपर है। एंड आप लोग इससे आप शैडोलैंड प्लेयर सकते हैं, लाइक मीडियम प्लेयर, वेटरन प्लेयर जो यूज़ करते हैं इस कैरेक्टर को। 10 में है डॉक्टर उडू। गाइस, डॉक्टर उडू इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, लाइक टीयर टू कैरेक्टर बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप एंड द स्किल्स एनिमेशन ऑल्सो। गाइस, स्किल्स एनिमेशन में रियली रियली गुड। इसमें है माइंड कंट्रोल विच इज़ गुड एंड इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर वर्ल्ड बॉस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर इनक्रीज ऑल डीबफ पैसिव डीबफ रिमूव इफेक्ट बाई 14%, इंक्रीज ऑल डीबफ, डीबफ मतलब ऑल डिफेंस डाउन या जो भी इफेक्ट है ना, वो 40% इंक्रीज हो जाएगा बफ। तो इसके लिए डॉक्टर उडू बहुत अच्छा है, रियली रियली गुड। इसका पैसिव भी सोल मैजिक, नो इट्स नॉट अ पैसिव, इट इज़ अ नॉर्मल स्किल, बट लीडरशिप इज रियली गुड फॉर डॉक्टर उडू। एंड डॉक्टर उडू कम्स इन नंबर 10, एंड इसमें मैं सिर्फ यूनिवर्सल लेने वाला हूँ। नंबर 9 में है आयन एमर। गाइस, आयन एमर रियली रियली गुड सॉलिड पिकअप फॉर अ न्यू प्लेयर एंड मीडियम प्लेयर। जो स्किल्स है ना, बहुत यूनिक एंड डिफरेंस इफेक्टिव है। गाइस, तो लाइटनिंग डैमेज है, एनर्जेटिक कैरेक्टर है, रियली रियली सॉलिड पिकअप एंड लाइटनिंग डैमेज। नॉर्मल सर लीडरशिप है, नॉट सो गुड लीडरशिप, बट सॉलिड पिकअप है गाइस। एंड नंबर 8 में है मॉर्गन लेफ्रे फे। तो ये कैरेक्टर ना बहुत रियली रियली गुड, मैं तीनों यूनिवर्सल लिया। एंड इसका लीडरशिप डीबफ ड्यूरेशन है, डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है, तो लीडरशिप उतना कास्ट नहीं। लेकिन इसका पैसिव है ना गाइस, सेल्फ जब मरने के बाद में डेड रिवाइव 50% मैक्स एचपी। तो रियली रियली गुड, एंड स्किल्स एंड एवरीथिंग इज सो गुड गाइस, सो रियली अच्छा है, सॉलिड पिकअप है। सो नंबर 8 में है मॉर्गन लेफ्रे। इसमें सब यूनिवर्सल आ गया, अभी आएगा गाइस कॉम्बैक्ट कैरेक्टर। इसमें कॉम्बैक्ट में ना थोड़ा और भी कैरेक्टर है, लाइक टास्क मास्टर विथ बेसिक लुक, ये भी अच्छा ही है, बट यूनिफॉर्म आने के बाद वो अपग्रेड हो जाता है। एंड नंबर 7 में है रेड गार्डियन। गाइस, रेड गार्डियन भी रियली रियली गुड फॉर कॉम्बैक्ट कैरेक्टर। एंड इसका लीडरशिप है विलन एलाइज, विलन के लिए 35% मैक्स एचपी। गाइस, एंड नंबर 6 में है गाइस गोरिल्ला मैन। गोरिल्ला मैन इज़ रियली गुड बिकॉज ऑफ द इज अ हीरो गाइस, हीरो एंड पहला विलन था, ये हीरो है, एंड ही इज रियली रियली गुड गाइस, बिकॉज ही गॉट द एचपी रिकवरी। गाइस, ही कैन रिकवर द एचपी लिटिल बिट ऑफ पर्सन, एंड देखो सेल्फ 50% इंक्रीज एचपी सेल्फ। तो लीडरशिप अच्छा नहीं है, बट ही इज रो सॉलिड पिकअप फॉर शैडोलैंड एंड वर्ल्ड बॉस ऑल्सो नॉर्मल स्टेज। गाइस, मतलब न्यू प्लेयर है ना, जो 6-star कैरेक्टर लेंगे ना, नॉर्मल टीयर 2 करके खेलेंगे ना, ये कैरेक्टर सब सॉलिड पिकअप है। गाइस, आज के गेम के टाइम के हिसाब से नॉर्मल सा यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, इसमें वाइपर स्पीड कैरेक्टर है, सुपर विलन है, सॉलिड पिकअप है, सॉलिड इतना बहुत बैम एचपी रहने दो, सर्वाइबिलिटी रहने दो, अच्छा है। तो इसके लिए मैं आपको सबको रेकमेंड करूँगा वाइपर, वाइपर इज़ रियली गुड। एंड नंबर 4 में है ब्लास्ट कैरेक्टर, वन एंड ओनली फीमेल कैरेक्टर है ब्लास्ट कैरेक्टर, सो गुड, वन शॉट किंग, वन शॉट कैरेक्टर विच इज़ इवन वर्ल्ड बॉस 99 कर सकती है। सर्सी, गाइस, सर्सी इज़ अ सॉलिड पिकअप एंड शी इज़ अ इंटरनल अलाइज के लिए 30% बेसिक अटैक इंक्रीज होगा एंड ऑल एल रिमूव डीबफ एंड इंक्रीज स्पीड। इवन इसका बेस किटन है गाइस रियली गुड, शी कैन डू स्टेज 99 गाइस, लिटरली यस शी कैन डू स्टेज 99, बट तो लिटिल बिट आप बिल्ड चाहिए, थोड़ा अच्छा बिल्ड करना चाहिए। तो ये मेरा स्टेज 5 हो गया। एंड चलो, इसका रियली रियली सो गुड गाइस, सर्सी इज सॉलिड पिकअप फॉर इवन विद द न्यू यूनिफॉर्म, शी इज सपोर्टिव फॉर इटर्नल अलाइज। एंड मैं बेस किट का बात कर रहा हूँ, बेस किट भी आपको स्टेज 99 क्लियर कर सकती है। एंड आएगा नंबर टॉप थ्री में है तीनों है गाइस। एंड नंबर 3 में है स्पाइडर, स्कॉलर स्पाइडर इज स्पीड, स्पीड इज
बिकम हाई मेटा गाइस। पैसिव है स्पाइडरमैन एल है, सुपर विलन 40, सुपर हीरो 35, स्किल डैमेज बोनस डैमेज एंड बेस किट ऑल्सो सी रियली गुड गाइस। मतलब सर्वाइबिलिटी, डिफेंस, अटैक, एवरीथिंग सो गुड। डॉज राइडर का लीडरशिप है बट सॉलिड पिकअप, वन ऑफ द अच्छा कैरेक्टर है टीयर टू के हिसाब से। तो फिजिकल कैरेक्टर है बहुत अच्छा है, रियली ट्राई करो आप। एंड नंबर टू में है डॉकर गाइस। डॉकर रियली रियली गुड्स एंड ग्रेट सर्वाइबिलिटी, ग्रेट नॉट सपोर्ट लीडरशिप बट सेल्फ अटैक, मतलब सेल्फ पैसिव रहने दो। इसका सेल्फ पैसिव देखो, इंक्रीज सुपर विलन 30 एंड डिक्रीज 20, तो विच इज़ सो गुड गाइस। एंड नंबर वन एज यू ऑल नो किटी, दो मार्वल शैंक्सी स्टूडियो जो मूवी आया शैंक्सी द लेजेंड ऑफ टेन रिंग, उस कैरेक्टर है रियली रियली गुड। शी कैन रियली डू स्टेज 99 गाइस। फिजिकल अटैक कैरेक्टर है, इसका ऑल पैसिव है ऑल एलाइज क्रिप डैमेज इग्नोर डॉज 30-30 एंड लीडरशिप है शैंक्सी के लिए 60 एंड क्रिप डैमेज इंक्रीज 18% है। बट जो भी मैं कैरेक्टर बताया गया तीनों स्टेज 99 कर सकती है एंड वाइपर आई डोंट थिंक बट सर्सी इज रियली डू स्टेज 99। तो सॉलिड बेस्ट कैरेक्टर फॉर न्यू प्लेयर और इवन वी कैन डू स्टेज 99 विथ थोड़ा हाई बिल्ड देना पड़ेगा इस चारों कैरेक्टर को। एंड किंगो इज ऑल्सो गुड, ऑनरेबल मेंशन, किंगो ले सकते हैं आप लोग। तो मॉल्टन मैन है और एक कैरेक्टर है, मैं आपको रोस्टर में दिखा देता हूँ। मतलब बहुत सारा टीयर टू कैरेक्टर, बेस्ट टीयर टू कैरेक्टर, नो यूनिफॉर्म ऑल्सो यू कैन सी दे दिस कैरेक्टर आर रियली ऑसम गाइस। मिनोरवा शी इज ऑल्सो रियली गुड कॉम्बैक्ट में, इवन बेस किट में अच्छा है, इसका स्किल्स है ना बहुत अच्छा है। मैं यूनिफॉर्म लिया हूँ कैप्टन मार्वल बट नॉट सो ओपी। एंड स्क्रीम इज ऑल्सो गुड गाइस, स्क्रीम इज ऑल्सो इन लिस्ट ओनली, ऑनरेबल मेंशन है बट शी कैन इजिली डाई, शी कैन कॉन्ट डू स्टेज 99। ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया एंड ब्लास्ट में बहुत कम है गाइस। एंड बस इतना ही गाइस आजकल। और एक कैरेक्टर है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन इज ऑल्सो गुड गाइस। तो बहुत सारे कैरेक्टर है, ये सब 2 साल के अंदर आया था, जितना भी कैरेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना विथ इन दे सब 2 साल के अंदर आया था, जिसकी वजह से बहुत हाई डैमेज, हाई DPS डैमेज पर सेकंड। तो बहुत सारा अच्छा अच्छा कैरेक्टर है। एंड आज के वीडियो में बताया क्या, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।